सो दोस्तों, अगर अपने फोन पे ऐप से अगर अपने बैंक अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं लेकिन आपका फोन पे ऐप से आपका जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक लिंक है, वो डिलीट नहीं हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक डिलीट नहीं हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने बैंक अकाउंट को अपने फोन पे ऐप से कैसे डिलीट करेंगे, कैसे आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ यहाँ पे ए टू जेड प्रोसेस यहाँ पे लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले हैं कि दोस्तों अपने फोन पे ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को इजिली आप 2 मिनट के अंदर कैसे आप डिलीट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, या दोस्तों रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, दोस्तों क्या कर रहा है कि आपके फोन पे ऐप से आपका बैंक अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन पे ऐप को ओपन करना है। अगर दोस्तों अपने फोन पे ऐप को नहीं ओपन करेंगे तो अपने बैंक अकाउंट को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके फोन में यहाँ पे फोन पे ऐप नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे, फोन पे ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे जैसे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों दो बैंक लिंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। हम यहाँ पे एयरटेल बैंक को जब डिलीट करेंगे तो मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ पे इजिली डिलीट हो जाएगा, इजिली रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे डिलीट करेंगे, मेरा एचडीएफसी बैंक यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस तरीके से योर कनेक्ट बैंक अकाउंट है, इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आएगा। मतलब दोस्तों कह रहा है कि आप जो बैंक अकाउंट इसमें आप लिंक हैं, आप जो बैंक अकाउंट आप पे अपने फोन पे ऐप में आप लिंक हैं, आपका बैंक अकाउंट डिलीट नहीं होगा क्योंकि आपके फोन पे ऐप में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है उससे ऑटो पे सेट है। जब दोस्तों अपने ऑटो पे को आप हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तब आपका बैंक अकाउंट आपके फोन पे ऐप से डिलीट होगा, अन्यथा डिलीट नहीं होगा। तो आपको ऑटो पे को रिमूव कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वह कहना है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट मैनेजमेंट पे एक ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑटो पे का। तो आपको ऑटो पे क्लिक करना है। ऑटो पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ₹29 हैज बीन पेड 14 अगस्त 2024, इस तरीके से मेरा ऑटो पे सेट है। तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आना, आपको डिलीट ऑटो पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जैसे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आपको अपने बैंक का यूपीआई पिन इस तरीके से एंटर करना, डालना, उसके बाद में आपको राइट पे क्लिक करना। राइट पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा, मतलब आपका जो पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको ऑटो पे यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली यहाँ से वैक आना, वैक आने के बाद में अब आपको रिमूव पे क्लिक करना, कंफर्म पे क्लिक करना, उसके बाद में आपके फोन पे ऐप से आपका जो भी ऑटो पे सेट था दोस्तों यहाँ पे रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको वैक आना, अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करना। बैंक अकाउंट पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं, अब आपके यहाँ पे फोन पे ऐप में आपका जो बैंक लिंक है इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको अपने बैंक पे इस तरीके से क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद में अब आपको अनलिंक बैंक पे इस तरीके से क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में आपको अनलिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको जो बैंक अकाउंट है 100% आपके फोन पे ऐप से डिलीट हो जाएगा, आपके फोन पे ऐप से आपको जो बैंक अकाउंट है 101% इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके फोन पे ऐप से आपका बैंक अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप इजिली 2 मिनट के अंदर आप इजिली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।